हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मेरा नाम सत्येंद, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको ऑनलाइन से संबंधित कोई भी समस्या होगी उसकी समाधान आपको दूंगा। कि आपको मैं आज बता रहा हूँ कि आप जो पीएम किसान सम्मान निधि की EKYC में ऑल सेटिंग, मतलब आपको स्टार्टअप की, मंत्रा की और मॉर्फो की सेटिंग कैसे सेट करना है, इसके बारे में फुल डिटेल देने वाला हूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, जैसे मेरे आने वाली सभी वीडियो को आप दे सकें। तो उस सबसे अच्छा तो आप यह समझिए कि आपको मंत्रा की सेटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसका भी समस्या मैं आपको बताऊँगा। और स्टार्टअप सबसे बढ़िया डिवाइस है स्टार्टअप, आप उसे खरीद लीजिए, फ्लिपकार्ट से खरीद लो, 2400 या 2500 रुपये की आती है उसकी। उसमें सबसे बेस्ट सेटिंग है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे मॉर्फो में भी कुछ नहीं करना पड़ता, मॉर्फो की महंगी डिवाइस आती है, मतलब 5000 के समथिंग आएगी, अब तो बहुत महंगी डिवाइस हो गई है मॉर्फो की। तो आप सबसे पहले मंत्रा की एक स्टार्टअप की डिवाइस खरीद लीजिए, उससे आप EKYC करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, मैं आपको स्टार्टअप की डिवाइस की सेटिंग करना आपको बताऊंगा, आज कैसे सेटिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको मॉर्फो बताऊँगा, फिर मंत्रा बताऊँगा। ओके, और एक समस्या और है, देखो एक समस्या ये आप हमारे डेस्कटॉप पे आ रहा है, आधार सर्विस नॉट रेस्पॉन्डिंग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। इसकी भी समस्या कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी समस्या भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जो स्टार्टअप का सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करना है। कहाँ से इंस्टॉल करना है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो ये आपको इस साइट पे आना है, digipaycsicloud.in पे आने के बाद आपको यहाँ पर RD सर्विस आ रहा है, सबसे नीचे स्टार्टअप का सॉफ्टवेयर आ रहा होगा, वहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद या डाउनलोड करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिए हैं और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होना कैसे है, पहले आपको डाउनलोड करना बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर गए, जाने के बाद आपको स्टार्टअप पर गए, स्टार्टअप जी वाला सॉफ्टवेयर, एक फर्स्ट जी वाला सॉफ्टवेयर और एक जी वाला नीचे वाला, दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको क्या करना है, फिर इस कोने पर आना है। कोने पर आने पर इस पर राइट क्लिक मारना है आपको। राइट क्लिक मारने के बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड डिवाइस, यहाँ पर रेडी लिख के आ रहा है, रेडी अगर ना लिख के आया तो आपकी डिवाइस काम नहीं करेगी। अगर रेडी नहीं लिख के आ रहा है तो आपकी काम कर जाएगी, और कैप्चर पर क्लिक मारेगी तो आपकी मशीन काम कर जाएगी। अरे कैप्चर आने लगे, कैप्चर ओके, अब कैप्चर आने लगे। अब सबसे पहले अब हम आपको अपनी मशीन चेक करेंगे, हमारी मशीन उस पर काम कर रही नहीं कर रही स्टार्टअप, उस पर पीएम किसान सम्मान निधि पर। सबसे पहले आप अब आपको क्या करना है, इसमें कैप्चर फॉर EKYC पे करना है, आपकी मशीन काम कर जाएगी। ओके, अब कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें कैप्चर फॉर EKYC पे जाना है, इस पर क्लिक मारना है। क्लिक मारने के बाद आपको अंगूठा जलने लगेगा, जलने लगा अंगूठा, आप अपना उंगली लगाई इसमें। लगाने के बाद आपको ओके करना है, ओके करने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन आ, सबमिट मारना है। देखो यहाँ पर एरर आ रही है PM किसान, देखो थोड़ी एरर आने दो। इसमें ऐसा हो रहा है कि जो आप सुबह 9 बजे से पहले करोगे KYC हो जाएगी आपकी, शाम को आप 7 बजे की बात करोगे आपकी KYC हो जाएगी। दिन में थोड़ी स्लो साइड चल रही है, तो आगे समस्या नहीं आएगी, आगे सॉल्व होने वाली समस्या है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। ओके, अब आपको मैं मॉर्फो की सेटिंग मेरे मॉर्फो के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, ऐसी बात नहीं वीडियो मैंने बनाई है, एक वीडियो बनाई है, उसे आप सही से देख लो। और उसमें कोई दिक्कत आ रही हो आपको तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जिससे मैं आपको पूरी डिटेल बता सकूँ उसमें। ओके, और उसमें थोड़े से सॉफ्टवेयर आपको लिंक आपको डालनी पड़ती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूँगा, आप मुझे वहाँ से उस लिंक को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मंत्रा की सेटिंग कैसे कर सकते हो। तो मंत्रा के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशल, जब मंत्रा की डिवाइसेस KYC करता था, मैंने मंत्रा की डिवाइस से KYC की है, 4-5 KYC भी की है मैंने, ऐसी बात नहीं। उसके बाद KYC नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह है, वैसे तो आप मंत्रा की डिवाइस से KYC नहीं हो रही है, उसकी वजह जो हो रही है कि PM किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है वहाँ के हेड और मंत्रा के हेड, उनसे थोड़ी सी चैटबाजी हो गई है, उन्होंने क्लियर मना कर दिया। ऐसे मैंने
मंत्रा की जो डिवाइस है उसके एडवाइजर से बात की, उन्होंने कहा था कि ये हमारी डिवाइस जो पीएम किसान सम्मान निधि में काम नहीं करेगी टोटल, इससे पहले काम कर रही थी, अब नहीं कर रही है, तो अब नहीं कर रही है। आगे अपडेट अगर करेगी तो वह अपडेट देंगे आपको, तो अपडेट आएगी तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अपडेट हो गई नहीं हो गई। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली मेरी और वीडियो को आप देख सकें। ओके।